आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र और चेक भेजा है। संजय सिंह ने यूपी में कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर और स्कूल बैग का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी से पहले ही गरीब और आम आदमी जूझ रहा है, तो वहीं योगी सरकार मजाक करने में जुटी है। बच्चों के अभिभावकों के खाते में 1100 रुपये स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए भेज रही है, जबकि बाजार में 1100 रुपये में दो ड्रेस, जूता, मोजा, स्कूल बैग और स्वेटर नहीं मिल रहा है। सरकार को कम से कम 3000 रुपये देने चाहिए, नहीं तो सर्दी में बच्चों के पास ठिठुरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। संजय सिंह ने बेसिक शिक्षा मंत्री को 1100 रुपये का चेक भेजकर और पत्र लिखकर सारा सामान खरीदने वाली दुकान भी पूछी है कि 1100 रुपये में ये सारा सामान कहाँ मिलता है। तो आप उत्तर प्रदेश के बच्चों को इस ठंड में जूता, मोजा, स्वेटर, ड्रेस देना चाहते हैं या उनको कड़कती ठंड में आपने बीमार होने के लिए छोड़ दिया, ठिठुरने के लिए छोड़ दिया, उनके परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए छोड़ दिया? और किस में दे रहे हैं आप? जनधन खाता में आप 1100 रुपए दे रहे हैं। 31% जनधन खाता फ्रीज हो चुका है, वो खाता बंद हो चुका है, उसके चेक जो है वापस सरकार के पास आ रहे हैं। तो बच्चों को जो पैसा दे रहे हैं वो भी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, 1100 रुपए भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं और उनके मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये ड्रामा बंद कीजिए। और मैंने एक पत्र लिखा है बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को, और ये चेक मैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री को भेज रहा हूं कि 1100 रुपए में आप दो ड्रेस, एक जूता, दो मोजा, एक बैग, एक स्वेटर खरीद के हमें भेज दीजिए, या हर जिले में वो दुकान बता दीजिए जहां से बच्चों के अभिभावक, बच्चों के माँ बाप जाकर स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल का ड्रेस और बैग खरीद सकें। ये चेक हम भेज रहे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को, और इसके साथ में ये पत्र भी मैं उनको लिख रहा हूं। ये है चेक। इस चिंता के साथ कि इस बार की ठिठुरती ठंड में उत्तर प्रदेश के एक से आठ तक पढ़ने वाले मासूम बच्चे बच्चियों को आदित्यनाथ जी की सरकार ने कड़कती ठंड में ठिठुरने और बीमार होने के लिए छोड़ दिया है, मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि हम सबको, उत्तर प्रदेश के लोगों को, अपने बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बरतने की ज़रूरत है और उनकी आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है। कम से कम एक अभिभावक को, माँ बाप को 2600 रुपये, जो न्यूनतम और सामान्य दर्जे का भी सामान आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए उनके खाते में भेजिए, वरना आपने 1100 रुपये देकर ये कहने का काम किया है कि तुम्हारे बच्चे चाहे जिस साल में रहें आदित्यनाथ जी की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, और उनको सिर्फ चुनाव के समय में डायरेक्ट खाते में देने की घोषणा करके एक ड्रामेबाजी और नौटंकी करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।